गोरखपुर जिले में बुधवार को 719 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसमें शहरी क्षेत्र में 438 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसमें कैंट में 123, गोरखनाथ में 78, कोतवाली में 40, तिवारीपुर में 21, रामगढ़ताल में 28, राजघाट में 16 तथा शाहपुर थाना क्षेत्र में 132, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 237 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसमें चरगावा में 70, खोराबार में 52, उरवा में 6, भटहट में 6, कौड़ीराम में 4, बेलघाट में 8, खजनी में 6, गोला में 8, पिपराइच में 6, सहजनवा में 15, बड़हलगंज में 6, कैंपियरगंज में 5, पिपरौली में 10, सरदारनगर में 10, बासगांव में 12, जंगल कौड़िया में 10, गगहा में 2 और ब्रह्मपुर में 1 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। अन्य थाना क्षेत्र में 44 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में 2 47 वर्षीय पुरुषों की मौत हो रही है। इसके बाद से जिले में संक्रमितों की संख्या 25,687 हो गई है। इनमें 377 की मौत हो चुकी है, 21,731 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केस 3,579 हो गई है। इस संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने लोगों से विशेष सावधानी को बरतने की अपील भी की है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सामाजिक दूरी का करें पालन, अपने और अपने परिवार को बनाए स्वस्थ और सुरक्षित। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने बताया कि इस बीमारी से बचने के लिए विशेष सतर्कता बरतनी होगी और लोगों को भीड़भाड़ से बचते हुए मास्क का इस्तेमाल करना होगा। जब तक कि कोरोना की वैक्सीन सभी को लग नहीं जाती, तब तक मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है।